यही वजह है कि जब फजाइल की बात होती है तो बाज़ दफा इफरात और तफरीत हो जाती है, जिनमें से इफरात के माना यह है कि कुछ लोग फजाइल को बयान करते करते जरा राह से निकल जाते हैं और कुछ लोग फजाइल को समझने में कासिर होने की वजह से इनकार की इसी कैफियत आ जाती है, क्योंकि समझ नहीं पाए तो इनकार कर दिया। अब ये ज़हन में रखें कि बाज़ दफा बाज़ अल्फाज से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, जैसे कि हमसे कुछ अरसे पहले भी सवाल हुआ था कि ये विलादत में जो नुज़ूल कहा जाता है, देखें अगर नुज़ूल एहतरामन कहा जा रहा है जैसे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो वह नुज़ूल ऐसे तो नहीं हुआ था कि मसलन कुरान नाजिल हो रहा है कोई झूले से, ऐसे हुआ था, वो खास इंजाल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिसकी कैफियत को हम नहीं समझ सकते। अब अगर एहतरामन नुज़ूल कहा जाए तो कहा जाए, लेकिन अगर इस नुज़ूल की वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि ना इनके वालिद थे ना वालदा और आसमान से नाजिल हो गए, तो फिर तो ये बिल्कुल बातिल अकीदा है। और इत्तफाक से पाकिस्तान में बाज़ दफा बाज़ अफराद ने कहा कि ना 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 वो तो माँ बाप की उनको जरूरत ही नहीं नुज़ूल हुआ था ना, हमने कहा ना अगर नुज़ूल की ये माना है तो बिल्कुल बातिल है, 100% बातिल है। क्यों? कि इस नुज़ूल का नतीजा ये निकलेगा जो पहला जुल्म होगा वो ये होगा कि हजरत अबू तालिब और मौला अमीरुल मोमिनीन का कोई रिश्ता नहीं है, इमाम हसन और इमाम हुसैन का कोई रिश्ता जनाब सैयद और इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन से नहीं है। तो नुज़ूल के अगर ये वाले माना लिए जा रहे हैं तो ना एहतराम भी जहन में रहे कि जो एहतराम हमें कुरान अहले बैत ने बताया है वही है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है लोगों से मिलते रहते हैं लोगों के जहन में, तो बाज़ ने कहा कि नहीं नुज़ूल बस सही रहता है, दिल नहीं मानता कि इनकी शादियां हुई होंगी। बाबा तुम कौन होते हो दिल नहीं मानता शादियां नहीं होंगी, तुमसे किसने कहा तुम अपने पास से जो है वो अकायद बनाओ, तुमसे किसने कहा तुम अपने जा पास से जो है फजीलत बनाओ, तुमसे किसने कहा कि अगर शादियों का जिक्र हो गया तो ये रब नबी और आले नबी की तौहीन हो रही है। ना 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 वो इंसान है लेकिन अशरफुल मखलूक है, अशरफुल मखलूकात में भी अशरफ है, नूर भी हैं लेकिन बशर की सूरत में है। बस फजाइल के माना ये नहीं होते कि उनको बिल्कुल जो है आप इंसान से निकाल दें, जैसे ही आइम्मा को और अंबिया को आप इंसान से निकालेंगे तो आपने उनकी फजीलत को कम कर दिया, क्योंकि अशरफुल मखलूक इंसान है। लेकिन हाँ वो इंसान नहीं कि जो आप और हम हैं, क्या मुराद कि उनकी उंगलियां पांच ही हैं लेकिन वो चांद को तकसीम कर सकते हैं, नाक उनकी वही है लेकिन हजरत याकूब खुशबू सूंघ सकते हैं, हजरत यूसुफ का जिस्म भी एक जाहिर एक नॉर्मल इंसान जैसा था, दो टांगे दो हाथ दो पांव, लेकिन उस कुर्ते की बरकत यह थी कि इरशाद हुआ कुरान में फलकू अला वजह याति बसीरा कि जनाब याकूब के चेहरे पर डाल दिया जाए तो बसारत आ जाएगी। हजरत दाऊद का हाथ ऐसे ही था, कोई छह गज का नहीं होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी उस जमाने में लोग बहुत लंबे होते थे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ममीज है 5-5 हजार साल पहले, वो नॉर्मल बॉडी है, बल्कि बास के कद छोटे हैं, कप्तियों के कद छोटे होते थे, तो ये जो दास्तान है इनमें भी ज्यादा ना पड़े। अब अगर उनमें कुछ अकवाम लंबी हो गई इतफाक से तो अलग मौजू है, सभी लंबे होते थे और सभी की लंबी उम्र होती थी कई कई हजार साल, तो ऐसा नहीं है, हजरत आदम की मुनफरद उम्र थी, हजरत नूह की मुनफरद उम्र थी, बाकी सब यही 100-125 साल, कद कितना होता था यही नॉर्मल कद। तो ये जहन में रहे कि अंबिया और आइम्मा इंसान हैं लेकिन इंसान कामिल हैं कि जो हर लहजा अल्लाह सुबहाना हुआ ताला से उनका ताल्लुक है और अल्लाह ने उनको अपनी एक विलायत दी है और ऐसी विलायत दी है कि जिसके जरिए से अगर वो इरादा करके किसी चीज को देखें तो वो बदल जाए, किसी चीज को तकसीम करने का इरादा करें तो वह तकसीम हो जाए, और अल्लाह ने कि जो असल में ताकत है कुदरत है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह उसी ने उनको विलायत दी है, और अंबिया और अम्मा भी अगर कुन कहें तो चीज वजूद में आ जाए, यानी फयकुन। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो जब आइम्मा के फजाइल बयान हो तो उसमें बाज़ दफा शक पड़ता है, और शक को हमने खत्म करने के लिए बता दिया कि असल फजाइल तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता।